हेलो नमस्कार, मैं सचिन लचपैक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है कि एक वस्तु को 8% तथा 18% के लाभ से बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों के बीच 3 का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन को क्या क्या दिया गया है, माना क्या किया अपन ने, माना क्रय मूल्य एक्स है, क्रय मूल्य एक्स है, मान लिया मान लिया। चलो, तो इसके बाद 8% लाभ पर विक्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और यहां 18% लाभ पर। ठीक है, चलो, तो 8% का बेचेंगे तो एक्स गुणित 100 108/100, और इसको एक्स गुणित 118/100, इनका अंतर कितना है, 118x/100 - 108x/100, ये कितना हो जाएगा, 10x/100 बराबर कितना था, 3। इसके बराबर कितना था, 3, 10 से काटेंगे 0 मतलब 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10 * 30, x बराबर कितना आ गया, 30। तो अब क्या बताना है, इनका अनुपात बताना है कि दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो क्या करते हैं अपन, बस वही जो दिया है उसी को हल कर देते हैं। जब कितना, 8% पर, 8% पर होगा तो ये हो जाएगा 30 * 108 / 100 अनुपात। ये कितना में है, ये भी 30 * 118/100। ठीक है, तो बस 100 से 100 कट गया, 30 से 30 कट गया, ये किससे कट जाएगा, 2 से तो कट ही जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, चार दुनिया आठ, 4 * 7 = 28, 4 * 8 = 4 * 8 चार से नहीं कटेगा, 2 से काटना पड़ेगा इसको, 2 * 5 = 10, 2 * 4 = 8, 2 * 5 = 10 और 2 * 9 = 18, 2 * 5 = 10 और 2 * 9 = 18 मतलब 54:59, 54:59 इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू।